सुबह हो गई है, आप टाइम देख लें, कहीं जाना है, उसकी तैयारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को मेरे पहले व्लॉग में। और आज जो है वो हम जा रहे हैं 14 अगस्त के एक इवेंट में, दुआ रेस्टोरेंट जो हॉक्सबे वाला है उधर एक इवेंट है 14 अगस्त का, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं जश्न आज़ादी की खुशी में। और आप सब लोगों को भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज जो है वो 14 अगस्त है और ये इंडिपेंडेंस डे 75वां इंडिपेंडेंस डे है, मतलब हमारी कंट्री को, हमारे मुल्क को 75 साल हो गए, 75 ईयर हो गए हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि हालात और बदतर हो गए हैं और ये एक रियलिटी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये सामने कार में देखें, शेरियार और फारूक दोनों बैठे हुए हैं। चलो चलते, कार में बैठते हैं। शेरियार अभी किधर जा रहे हैं? अभी जा रहे यार नाश्ता करने। सुबह सुबह के इलेक्ट्रिक वालों ने उठा दिया, लाइट बंद कर दिया यार। ये तो गलत हो, 14 अगस्त का दिन है, 14 अगस्त के दिन लाइट बंद कर दी। हाँ फारूक, ये रफीक छोले वाला अभी तक नहीं है, क्या बोल रहे हैं लोग? यार असल में ये रहता है गुलशन साइड पर ना। अच्छा, इसको आते हुए टाइम लगता है। असल में ये हमारे इलाके का बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइप, मतलब ओल्ड ज़माने का जो है ये चलने वाला है ना। हाँ, पूरा इलाका खाता है तकरीबन ये, मैक्सिमम 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर इसका बिल्कुल फिनिश हो जाता है। ये पहले रहता था यहाँ पर, यहाँ से चला गया गुलशन, क्योंकि इसके वालिद साहब पहले ये काम करते थे, उसके वालिद साहब भी काम करते थे यहाँ पर, तो इसीलिए इसको आने में देर, इसको आने में देर हो जाती है मतलब यहाँ पर। अब जो है हम नाश्ता करके निकल गए और मेन रोड पर भी आ गए, और काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, और भी एक हमारी कार भी है, तो इसी वजह से थोड़ी देर हो रही थी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इवेंट में पहुंचे और आप सब लोगों को दिखाए। और हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। बाकी आप लोगों का अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और ब्लॉग इन्जॉय करें। आप लोगों को अभी तक बताया नहीं कि ये फारूक कौन है और शेरियार कौन है, और मैंने डायरेक्ट व्लॉग चालू कर दिया, तो इनसे खुद ही पूछ लेते कि भाई तुम कौन हो, बताओ भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक खान है, मैं जो है शेरूस का बेस्ट फ्रेंड्स में आता हूँ। हमने साथ पढ़ा है, साथ खेले हैं, साथ घूमे हैं, साथ बड़े हुए हैं, और हम काफ़ी टाइम से पड़ोसी भी हैं, मतलब काफ़ी ओल्ड टाइम से पड़ोसी हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है शेरियार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेरोज का भाई, और आप मुझे हर व्लॉग में भी आज के बाद देखेंगे। ये झूठ बोल रहा है। और वो तो चैनल भी तो है तेरा, उसमें तू आजकल नहीं आ रहा है। उसमें आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अभी किसी इशू की वजह से जो है ना वो पुलिस वालों ने रोका हुआ है, और इवेंट में हम नज़दीक ही है बस, अभी जाने वाले, लेकिन पुलिस वाले आपको पता है 14 अगस्त पे तो तंग करेंगे। हाँ करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल यार फारूक, ये पुलिस वालों ने क्या लगाया हुआ है कि मतलब छोड़ ही नहीं रहे इंडिपेंडेंस डे और उस दिन भी, क्या मतलब तुम लोग क्या बोल रहे हैं? यार इतना बड़ा इशू नहीं है, ये बेफजूल में लोगों को तंग कर रहे हैं बस, और कोई इतना इशू नहीं है। लोग इतने पागल नहीं है कि पानी में जाके नहाएंगे। आज लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, कुछ कोई फेस्टिवल्स पे जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, जैसे कि हम फेस्टिवल पे जा रहे हैं कॉलेज की तरफ से, दो होटल पर फेस्टिवल है वहाँ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, दो होटल बंद है, कोई जाएगा नहीं वहाँ पर, बस फजूल के इनके। तो वो जो वहाँ ऑर्डर दिया हुआ खाने का और उसका वगैरह का, वो अब ये सर वगैरह बात करेंगे। हम पहुँच रहे ना, पहुँचेंगे तो सही है, पाकिस्तान है, यहाँ पर है पॉसिबल, यहाँ पर नॉन पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। कायदे आजम चल जाए, कायदे आजम भी चलता है और बहुत कुछ चलता है। खैर, और ये तो चलता रहेगा, ये रियलिटी है यहाँ की,
बाकी आप देखते रहें आगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपडेट। अब हमारे साथ आज के चैनल में बने रहें, सपोर्ट करें आप और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस फाइनली हम जो है पुलिस के चंगुल से आज़ाद हो गए, पर हमें पुलिस हालात पार करवाने वाले ही हमारे सर हैं। सर यार बड़ी मुश्किल से निकले। तो फाइनली जो है वो हम दुआ रेस्टोरेंट में पहुंच गए, और जब यहां पर हम पहुंचे तो हमें पता चला कि जो 14 अगस्त के हवाले से इवेंट था उसमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी। हाँ भाई फोटो खींचने। जी भाई क्यों पैसे नहीं? समंदर कितना चढ़ा है, तुमको मजा आ रहा है? गर्मी लग रही है, दिल गार्डन सा हो रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन सा हो रहा है। हाँ फारूक जी मजा आ रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या समंदर चढ़ा हुआ है। गर्मी ज्यादा है, ये इवेंट में आए थे, ये मुर्गी के जो वाइट पुलाव है डीयू है बस, और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल चल ही रहा इवेंट और ये मिला है, आगे देखते क्या होता है। ठीक है, हमने रेस्टोरेंट में जब लंच कर लिया तो बाकी लोग भी लंच कर रहे थे और गर्मी भी रेस्टोरेंट में ज़्यादा थी, तो हमने सोचा हम बाहर राउंड लगा के आते हैं। और जब हम बाहर गए तो बाहर के आप व्यू चेक करें, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे थे। और वहीं पर रास्ते में हमने एक डैम देखा जहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी यहाँ पर चलते, और हम वहाँ गए और वो लोग आप देख सकते हैं, ये जो डैम है इसकी गहराई 60 फीट है। हमने वहाँ पर जो कुछ लोग काम कर रहे थे उनसे पूछा था, वो कह रहे थे कि इसकी जो गहराई है वो 60 फीट है, और इस गहरे जो ये इतना गहरा डैम है ये भर गया आप देख सकते हैं, और इससे पानी बाहर निकल रहे और लोग इस पानी पे ऐसा स्लाइड मार के नीचे जा के नहा रहे। और ये रिस्की भी है, लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को कौन मना करेगा। जिस तरह से हम उस डैम पे चढ़ गए हमको कोई मना नहीं कर रहा था, उनको भी कोई मना नहीं कर रहा था। खैर लेकिन हम नहाए वगैरह नहीं, जो था वो आपको हमने दिखाया, और बहुत ब्यूटीफुल। और जब आप डैम पे खड़े हो के देखते हो तो आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यू नज़र आते पहाड़ों के और ग्रीनरी, ये बारिश की वजह से ही अभी हो गया। शेरियार अभी निवाला बना रहा है, ये बड़ा निवाला कैसी है कढ़ाई, जबरदस्त। चलो ठीक है, अभी हम भी कढ़ाई खाते हैं। तो यार आज का दिन अभी पूरा हुआ और हमने काफ़ी मज़ा किया, आप लोगों को भी दिखाया, काफ़ी इन्जॉय किया, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। और ये हमारी 75वीं आज़ादी का दिन था जो कि अब ख़त्म ही होने वाला है तकरीबन। तो अब व्लॉग इतना ही था, अब हम एक दो काम से जा रहे हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आप चाहते हैं कि मैं और व्लॉग बनाऊं तो मैं वो भी बनाऊंगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो भी आप कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।